कर लेना, तुम ट्राई कर लेना। द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल अलॉन्ग द स्ट्रिंग फिक्स एंड। देखो अब एक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड। चलो एक स्ट्रिंग है, इसको एक एंड में फिक्स कर देता हूँ और इसमें अगर मैं एक पल्स जनरेट कर दिया तो ये पल्स ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे वेव जाएगी। बट हुआ क्या कि जब वेव उधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो कहीं पे चलो मान लो पल्स उधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, पल्स एक्चुअली इस केस में मुड़ जा इस टाइप से हो जाती है। इसको मैं आपको पूरा गायब हो गया, आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो ये जो पल्स है उधर से जब रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसा हो जाता है उधर से जब वापस आती है। तो कहता है नोड इज फॉर्मेड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ये फिक्स्ड एंड है, ये तो कभी ऑसिलेट नहीं कर सकता भाई, हिंज है। तो जो ऑसिलेट नहीं कर सकता पार्टिकल यहाँ का, वहां तो हमेशा नोड ही बनेगा यार। नोड मतलब एम्पलीट्यूड जीरो है। अब यहां से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स्ड एक और नोड बन गया, यहां से मान लो यहां पर एक और नोड बन गया और ये डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बराबर है। और स्पीड फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 100 हर्ट्ज। तो अब हम लोग को फाइनल कैलकुलेशन क्या करना, फाइनल कैलकुलेशन हमें स्पीड निकालनी। स्पीड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ दैट इज द स्पीड। अब हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, लैम्डा निकाल सकते हैं, हम सबको पता है एक नोड और एक नोड दो कंजिक्यूटिव नोड या एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई फोर हो, लैम्डा बाई टू होता है, बराबर है। तो ये लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 10^-2 मीटर है, और फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी 100 हर्ट्ज दिया हुआ है तो स्पीड इतना आ जाएगी, मतलब ये 100 ने 100 को मतलब स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द पल्स या वेव, दैट इज ए ऑप्शन सही है, बराबर है, समझ में आ गया बेहतर तरीके।